अभी हमारे निशांत जी बता रहे थे पॉजिटिव थॉट और निगेटिव थॉट के बारे में, ये तो प्रकृति का नियम है, आप सब जानते भी होंगे जो साइंस पढ़ते होंगे। यदि कहीं तो पोटेंशियल को बढ़ाना रहता है, इंक्रीज करना रहता है, तो हम उस जगह पर पॉजिटिव चार्ज का एडिशन करते हैं, और किसी पॉइंट के पोटेंशियल को घटाना रहता है तो हम वहाँ पर निगेटिव चार्ज का एडिशन करते हैं। यही हमारे शरीर का भी है, एक पॉजिटिव थॉट व्यक्ति के अंदर आता है, उसका सकारात्मक सोच उसको चाहे जैसे बाबा से भारत का प्रधानमंत्री बना देता है। इसी हिंदुस्तान में इतिहास सच्ची है कि पेपर बेचने वाला राष्ट्रपति पद की दूरी तय करता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उतना बड़े साइंटिस्ट बनते हैं। यह पॉजिटिव थॉट और सकारात्मक सोच का ही कमाल है, आदमी के शारीरिक क्षमता को, उसके अंदर के युवापन को, उसके जवानी को, उसके अंदर के जोश और जज्बा को जगा देता है। साधारण बात नहीं है अपने अंदर पॉजिटिव थॉट डेवलप करना। जगह जगह लोग कहते फिरते हैं बी पॉजिटिव, हम पॉजिटिव बने, पॉजिटिव बने। अरे पॉजिटिव मन बने ना तब तो मित्रों, आप सबको यहाँ पर जो सुबह सुबह इकट्ठा किया जाता है संडे के दिन, जो हम लोग का साप्ताहिक गोष्ठी चलती है, इस साप्ताहिक गोष्ठी का एकमात्र उद्देश्य वही है, आपके अंदर अपार संभावना और अपार क्षमता भरा पड़ा हुआ है, बस इसी तरह आपके अंदर पॉजिटिव सोच डेवलप हो, सकारात्मक चिंतन डेवलप हो, सकारात्मक विचार डेवलप हो, क्योंकि जब वो डेवलप होगा तब आपके अंदर जो वाइटल एनर्जी है, जो रियल पावर है आपका, वो रियल पावर डेवलप करेगा, रियल पावर जगेगा। और जिस दिन आपका रियल पावर जग गया उस दिन कौन पूछता है आईएएस आईपीएस आईआईटी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन, अरे आप तो हर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य कोई अनिधि और किसी लक्ष्य नहीं है, आप जरा सोच कर देखिए ना कि जिसने पहली बार सोचा होगा कि हम एवरेस्ट पर चढ़ेंगे उसका कितना असाधारण लक्ष्य था। वैसा तो असाधारण लक्ष्य आपका है नहीं, बहुत सोचे होंगे तो आईएएस बनना सोचे होंगे, किसी बैंक में बड़े अधिकारी बनना सोचे होंगे, यही तो लक्ष्य है जिसमें हजारों स्टूडेंट्स हजारों व्यक्ति इसी भारतवर्ष में एवरी ईयर सफल होता है, एवरी ईयर आईएएस बनता है, एवरी ईयर आईपीएस बनता है, आईआईटी क्वालिफाई करता है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करता है। तो कहां आपका साधारण लक्ष्य है, बड़ा अद्वितीय लक्ष्य है, बड़ा साधारण लक्ष्य है, और इसको सफल करने में भी आपको एड़ी चोटी करना पड़ता है। इसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि आपके अंदर का जो वास्तविक छुपी हुई शक्ति है, जो आपका वाइटल एनर्जी है, वो वाइटल एनर्जी आपका डेवलप नहीं कर रहा, वो नहीं विकसित कर रहा है, उसके ऊपर गंदगी का एक लेयर आ गया है, एक परत आ गया है, जिसको बार बार यहाँ से मनीष भैया कहते हैं मेंटल गार्बेज, मानसिक गंदगी, मानसिक कचरा, क्योंकि वो मानसिक कचरा आपके अंदर के उस अच्छाई को पनपने नहीं दे रहा है, उस अच्छे विचार को, आपके अंदर के जोश को जगने नहीं दे रहा है, आपके अंदर के हिम्मत को, मनमानी को जगने नहीं दे रहा है। मित्रों उसी को हटाने के लिए, जो आपके अंदर का मेंटल गार्बेज है, मानसिक कचरा है, उसी को हटाने के लिए यहाँ से कुछ सूत्र बताए जाते हैं, चाहे वो बीडीसी प्रोग्राम हो और चाहे आपका संडे का जो साप्ताहिक गोष्ठी चलता हो, या अलग से नए लोगों का क्लास, जो भी फार्मूला बताया जाता है, साधना स्वाध्याय संयम और सेवा, एकमात्र उद्देश्य उसका वही है, क्योंकि वो जब जिस दिन आपके अंदर से निकल जाएगा उस दिन से कहीं से कहने की जरूरत नहीं है कि सकारात्मक सोचो और पॉजिटिव सोचो, आपके अंदर का स्वतः का सोच उस तरह से होते चला जाएगा, पॉजिटिव की ओर होते चला जाएगा, सकारात्मकता की ओर होते चला जाएगा, और आपका पर्सनालिटी और व्यक्तित्व इतना निखरेगा कि दुनिया उसको देखेगी, दुनिया उसको देखेगी। मित्रों मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, एक जगह पर एक गाँव में एक पत्थर रखा हुआ था, एक स्टोन रखा हुआ था, उस पर लोग जाता था गंदा संदा मलमूत्र त्याग करता था, गंदगी उस पर डालता था, उसको गंदा करके रखता था। अचानक कोई शिल्पकार भी गुजरा, वहां से गुजरा, उसने देखा उस पत्थर को, उस पत्थर को वो वहां से उठा करके लाया, उसके ऊपर का गंदगी हटाया, उसके ऊपर का जो भी अनवांटेड पार्ट था उस अनवांटेड पार्ट को काट छाट करके अलग किया, और उसको एक बढ़िया सा भगवान का मूर्ति का रूप दे दिया, और उसी को ले जाकर के किसी दूसरे गांव में मंदिर में स्थापना हो गया, और उस पर लोग जो पहले गंदगी डाला करते थे उस पर गंगा जल और फूल चढ़ाना शुरू कर दिया।
मित्रों क्या हुआ उस पत्थर में, क्या परिवर्तन हुआ? तो परिवर्तन यही हुआ कि जो उसके अंदर अनवांटेड चीज था, गंदगी था, अनवांटेड जो उसके पास था, वो सबको हटा दिया गया। हटा करके उसको बढ़िया से तराश दिया गया और तराश करके एक बढ़िया रूप दे दिया गया और एक बढ़िया जल रूप मिल गया। तो उसी मूर्ति पर, उसी पत्थर पर लोग गंगा जल और फूल चढ़ाना शुरू करते हैं, पूजा करना शुरू कर दिए। मित्रों वही हाल हमारे अंदर भी है। प्रभु सुखदेव कहा करते थे कि बेटा भगवान ने व्यक्ति को अपने नमूने का बनाया है, अपने नमूने का बनाया है, यानी आपके अंदर भी वो सामर्थ है, वो ताकत है, वो क्षमता है कि आप भी भगवान जैसा बन सकते हो। आपके अंदर भी भगवान, भगवान का भावना आ सकता है, भगवान जैसा प्रॉपर्टी आ सकते हैं, गुण आ सकते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको अपने नमूने का बनाया है। और इतिहास ऐसी है कि हिंदुस्तान में कई लोगों ने इंसान से भगवान की उपाधि प्राप्त की है, भगवान बुद्ध, भगवान का उनको मिला उपाधि इंसान के पर, इंसान से भगवान बने, महावीर इंसान थे, इंसान से भगवान बने इसी हिंदुस्तान में। तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? आपके और हमारे अंदर भी कुछ क्षमता है, बस उसी तरह से गंदगी का एक लेयर भरा हुआ है, गंदगी का एक आवरण पड़ा हुआ है। आप अपने मूल्य को नहीं समझ रहे हैं, आप अपने आप को बहुत छोटा आंक रहे हैं और बहुत छोटा चीज समझ रहे हैं। मित्रों एक बार क्या हुआ कि पहले शिक्षण पद्धति जो थी हमारे यहाँ पर वो गुरुकुल शिक्षण पद्धति थी। आज ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूशन और सेंटर एक्सेलेंस नहीं होता था, जो भी होता था वो गुरुकुल शिक्षण पद्धति होता था। उस गुरुकुल शिक्षण पद्धति में एक बार एक छात्र ने अपने गुरु से पूछा कि गुरु जी आदमी का मूल्य क्या है। एक प्रश्न पूछा, आदमी का मूल्य क्या है? गुरु जी उसको जवाब नहीं दिए, जवाब देने के बजाय उसको एक पत्थर दिए छोटा सा, एक स्टोन चमकता हुआ एक स्टोन दिए और कहें कि इसको ले जाओ मार्केट में, बाजार में, और बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य लगवाओ, अलग अलग जगह पर जाना और अलग अलग जगह पर जाकर के इसका मूल्य लगवाना, कीमत लगवाना, केवल बेचना मत इसको। वो छात्र वहां से उस पत्थर को लेकर के चला गया, संतरे वाले के पास गया। संतरे वाले ने कहा कि देखो भाई बहुत अच्छा है, सुंदर लग रहा है देखने में, हम इसको 12 संतरा देंगे। वहां से वो आगे बढ़ गया, कहा कि नहीं गुरु जी मना किए हैं बेचने से। उसके बाद वहां से आगे बढ़कर के एक बढ़िया जनरल स्टोर में गया, गिफ्ट वाला जो दुकान होता है उसमें। उसने कहा हमें दे दो भाई, हम इसका 2 लाख रुपए देंगे। कहा कि नहीं गुरु जी इसको बेचने से मना किए। उसके बाद वो वहां से चला और चल करके सुनार वाले दुकान में गया। सुनार ने उसको कहा कि हमें दे दो भाई, हम इसका कीमत तुमको 2 करोड़ देंगे। उसको भी नहीं बेचा, नहीं नहीं गुरु जी ने मना किया है इसको कुछ नहीं। उसके बाद वो हीरा बेचने वाला जौहरी के पास गया। जौहरी ने उसको जैसे ही देखा वैसे ही पहले उस व्यक्ति का पैर छुआ और पैर छूने के बाद बढ़िया से उसको एक बढ़िया कपड़ा बिछाया, उस कपड़ा पर उस पत्थर को रखवाया, उसका पूजा अर्चना किया और पूजा अर्चना करने के बाद कहा भैया मैं इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, तो मेरी सारी संपत्ति ले जाओ, बस इसको छोड़ो, क्योंकि ये जिसके पास जाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। वो छात्र भागा भागा अपने गुरुजी के पास आया और आकर के इस कहानी को सुनाया। गुरुजी ने कहा वही हाल है तुम्हारी जिंदगी का, वही हाल है माननीय मूल्य का, वही हाल है माननीय मूल्य का। तुम चाहो, तुम चाहो तो इसे रोड परीक्षा चला कीजिए व्यतीत कर दो, और तुम चाहो तो धीरूभाई अंबानी, टाटा बिरला, इंफोसिस का मालिक, और तुम चाहो तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बन सकते हो, और तुम चाहो तो इन सड़क के गलियों में, इस पटना के लॉज और हॉस्टलों में सड़े हुए ही बैठने लगा सकते हो। इतनी ताकत और इतनी क्षमता है आपके अंदर, आप अपने आप को रिकॉर्ड करना सीखिए, रिस्पेक्ट देना सीखिए, आदर करना सीखिए। मित्रों जिस दिन व्यक्ति अपने आप को आदर देना सीख जाएगा उस दिन वो अपने आप को कद्र करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, और रिस्पेक्ट करना सीख जाएगा तो अपनी एक एक क्षण का उपयोग करेगा, एक एक क्षण का उपयोग करेगा, जिंदगी के एक एक समय का उपयोग करेगा, क्योंकि मित्र ये जिंदगी किसी और चीज से नहीं बल्कि समय से बना है। इसलिए आदमी के व्यक्ति के उम्र को टाइम के यूनिट में डिवाइड किया जाता है कि फलाने का उम्र 70 साल था, 75 साल था, टाइम का यूनिट में उसको डिवाइड किया गया है, क्योंकि लाइफ इज टाइम एंड टाइम इज लाइफ।
जिंदगी समय है और समय ही जिंदगी है। जिस दिन आप अपने आप को पाकर करना सीखेंगे, अपनी जिंदगी को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, अपने आप के मूल्य को समझेंगे, बेसकीमती अपने आप को मानेंगे, उस दिन अपने समय का सदुपयोग करना सीखेंगे। और इसी को कहते हैं पार्ट ऑफ लाइफ, यही जीवन जीने की कला है, इसी को जिंदगी को बनाना कहते हैं। जिंदगी को गवाना नहीं, जिंदगी को कमाना कहते हैं। और इसी की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है मित्रों, इसी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि व्यक्तित्व तो आपके पास भी है, हर किसी के पास व्यक्तित्व है, क्योंकि व्यक्तित्व व्यक्ति से बना है, पर्सनल